इस वक्त मेरे साथ है लाफ्टर चैलेंज के 2005 के विजेता सुनील पाल जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी स्ट्रगल भरी कहानी जो 1994 में शुरू हुई थी, किस तरह का वो सफ़र था और अब किस तरह का सफ़र महसूस कर रहे हैं आप? भगवान की दया से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई है, उम्मीद से 100 गुना कह सकते हैं। लोगों का प्यार मिला, दर्शकों का प्यार मिला, ईश्वर की कृपा हुई है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपने काम को और अच्छा कर सकूँ। तो बहुत सारा परिवर्तन आया, जैसे पहले मुंबई में किराए का रहने का घर बड़े मुश्किल से मिलता था, आज खुद का घर है। पहले बसों में धक्के खाए करते थे, कभी पैदल चलना पड़ता था, आज कार भी है। पहले अकेले रहते थे, फैमिली को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो अभी परिवार भी है। तो ये ईश्वर की कृपा है और लाफ्टर चैलेंज की वजह से है। तो मैं पंकज सरस्वत जो हमारे लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके कॉमेडी के क्षेत्र में किस तरह कदम रखा, कब आपके जहन में विचार आया कि मुझे कॉमेडी नहीं बनना चाहिए? ऐसा शुरुआत में तो सब इसी सोच से आया था मैं कि मुझे फिल्म स्टार बनना है, कलाकार बनना है, एक्टर बनना है। उसी से ये सब चीज़ें जुड़ती चली गई और जब मौका मिला लाफ्टर का तो मैं फिर लाइव शोज़ भी करने लगा। तो लाइव शोज़ में कलाकारों की आवाज़ें करता था, फिल्म कलाकारों की। तो करते 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 एक कह सकते कि वही रास्ता मिलता चला गया और लाफ्टर चैलेंज में वही काम आ गया और आज पहचान उसी वजह से। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक तरह से एक पहचान मिली है, तो मुझे मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी आपकी अपकमिंग फिल्मों की बात की जाए, अभी बॉम्बे टू गोवा आई थी, उसके बाद कई फिल्में भी आई, और अब कौन सी जो अपकमिंग फिल्में हैं जो आप दर्शकों के सामने पेश करना चाहेंगे? जी, अभी ऋतिक रोशन के साथ में क्रिस 3 आ रही है, डर्टी पॉलिटिक्स मलिका शेरावत के साथ में आ रही है, राजपाल यादव के साथ में तुक्का फिट आ रही है, ओम पुरी जी के साथ में टेंशन मत ले यार आ रही है, धर्म जी के साथ में रजनी की लग गई आ रही है, फिल्मी दुनिया आ रही है, और परेशानपुर आ रही है, मैं, असरानी जी, शक्ति कपूर और तमाम कॉमेडियन उस फिल्म में हैं, मनोज जोशी वगैरह। तो बहुत सारी फिल्में अभी पाइपलाइन में हैं और आने वाली फिल्में भी बहुत सारी हैं। अच्छा, कॉमेडी के लेकर बात की जाए तो कॉमेडी में काफ़ी जो अलग अलग तड़के देखने को मिलते हैं, लेकिन वो जो रस था जो पहले जब 2005 के वक्त आपके यहाँ देखने को मिलता था, लोग काफ़ी एक्साइट रहते थे आपका प्रोग्राम देखने के लिए, लेकिन अब वो एक्साइटमेंट लोगों में कम दिखाई देता है, जैसे आजकल की जो कॉमेडी आ गई है जिस तरह की, उसके बारे में क्या विचार है? एक्साइटमेंट भले कम दिखाई देता हो, लेकिन लोग देखने वाले तो आज भी, क्योंकि देखो कॉमेडी का मतलब ये है कि हंसना, और हंसना तो हर आदमी चाहेगा और हर वक्त चाहेगा, कोई भी आदमी किसी भी वक्त रोना नहीं चाहेगा। तो जब तक रोना है दुनिया में तब तक हंसना है, तो उसकी हंसने की और हंसाने की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा है इंसान को। अच्छा, जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को किस तरह गुदगुदाएँ, किस तरह हंसाएंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में गाना बड़ा हिट हुआ फिल्म खिलाड़ी 786 का, ओ बलमा, एक घर में आग लगी तो पत्नी ने अपने पति को ऑफिस में फ़ोन किया, कहती है फायर ब्रिगेड मंगवा ले तू, आग लगी अपने घर में, अबलमा। पति ने कहा आग बुझाने की कोशिश नहीं की, आग में कैसे बुझवाती, पानी नहीं आया नलमा, अबलमा। तो पति कहता है कि आग लगी कैसे, तेरा रास्ता देख रही थी, सिगड़ी पे रोटी सेक रही थी, आग लगी तेरे ही टॉवल मा, अबलमा। तो भक्त जनों, भावनाओं को समझो। तो ये थे हमारे साथ तो सुनील पाल जी, जिन्होंने हमारे साथ भी कॉमेडी का एक छोटा सा जो सेगमेंट है वो हमारे सामने पेश किया, और यकीनन आप भी हंसकर लोटपोट हो गए होंगे। कैमरामैन विजय सचकर के साथ शरद बाघेला, बंसल न्यूज़ भोपाल।